की जगह एक वीडियो टोटल बना रहे हैं उसकी पूरे चेस की, जिसमें हम एक बिगिनर लेवल से हम समझा पाएंगे कि कैसे कैसे हम आगे खेल रहे हैं। ठीक है। हाथी हाथी को अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, घोड़े को अगर हमें यहाँ से बचाना है तो हमें कहीं और लेकर आना पड़ेगा। मान लेते हैं ये यहीं पर है और हमारा एक घोड़ा यहाँ पर है, हमें इसको अब वापस बचाना है, तो हम इसको वापस में यहाँ रख सकते हैं, तो हमारे घोड़े को अभी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर ये इसको एक स्टेप भी बढ़ा सकता है, दो स्टेप भी बढ़ा सकता है, तो हमारे घोड़े पे खतरा आ रहा है। घोड़े पे खतरा तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास में पॉन है जो कि क्रॉस में अगर ये इसको खाता है तो क्रॉस में ये हमारा इसको खा जाएगा, तो हम इतना रिस्क ले सकते हैं। इसलिए हमें समझदारी से ये करना है कि हमें चेक एंड मेट करना है राजा से। उसके लिए हमें अगर कुछ पॉन्स या फिर कुछ और एलिमेंट चेस के अगर कुर्बान करने पड़ते हैं तो हम कुर्बान करते हैं, यही चेस की स्ट्रेटजी होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें, हमने इसका बैकअप लगाया हुआ है, हम इस वाले घोड़े को निकालते हैं क्योंकि हम इसको मार सकते हैं, और आगे भी डिफेंस के लिए हम इसको निकालते हैं ताकि हमारे कुछ प्लेयर्स बाहर निकलें, तब हम राजा को चेक एंड मेट दे पाएँ। नेक्स्ट ये मान लीजिए ये अपना इसको चलता है, अगर मैं इसको मारूंगा तो वो रानी से इसको मार देगा, इसीलिए मैं पहले इसको बढ़ाता हूँ। इसको बढ़ाने का ये फ़ायदा है कि अगर वो इसको खाता है तो मैं घोड़े को भी उधर ला सकता हूँ, पॉन से भी इसको मार सकता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो उस केस में वो राजा को मेनली बचाने के लिए या फिर घोड़ा मेरा आगे में ना आए, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि चेक एंड वेट करने के लिए, तो वो भी अपना घोड़ा यहाँ पर निकाल लेता है, मैं अपनी रानी यहाँ पर निकाल लेता हूँ चेक एंड वेट करने के लिए। अब क्योंकि वाइट यहाँ पर, अगर मैं इस यहाँ पर चेक एंड वेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर उसका कोई डिफेंस नहीं है, तो मुझे एक और बैकअप चाहिए, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए रानी को यहाँ पर इससे खाया तो ये मेरे राजा को राजा से खा जाएगी रानी को, इसीलिए राजा को यहाँ पर रखता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर, मुझे एक बैकअप चाहिए होगा, तो मैं या तो वजीर के थ्रू या फिर मैं इस घोड़े के थ्रू आसानी से ला सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मेरा एक घोड़ा था, तो मैं इस घोड़े के थ्रू, मैं इस घोड़े को अगर आगे लेकर आता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा था यहाँ पर मेरा ये घोड़ा था, तो इस घोड़े को अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो इस घोड़े से डायरेक्ट मैं यहाँ पर चेकमेट दे पाऊँगा। अब इस घोड़े का ये डिफेंस ये वाला है, अगर मान लीजिए इसको रानी खाती है तो रानी को ये खा जाएगा घोड़ा, इसीलिए वो रानी को नहीं बढ़ाएगा आगे। लेट सपोज कि अगर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, रानी को बाहर निकाल के राजा को चेक एंड मेट देने के लिए सोचता हूँ, वो यहाँ पर सोचता है आगे बढ़ा के कि यहाँ पर भी कोई डिफेंस नहीं है, और अगर वो डायरेक्ट यहाँ पर रखेगा तो मैं राजा को भी बचने को कोई जगह नहीं है। ठीक है। वो अपना घोड़ा आगे बढ़ा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर तुरंत आगे बढ़ा के चेक एंड मेट कर सकता हूँ, और राजा को कहीं भी जगह नहीं है, राजा रानी को मारेगा तो घोड़ा मार देगा उसको। दिस इज़ द स्ट्रैटजी चेक एंड मेट, और हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे।